पेरेंटिंग, तीन तरह की पेरेंटिंग होती है, एक होती है लोअर, एक होती है ओवर, एक होती है नेचुरल। पेरेंटिंग का मतलब जो अभिभावक हैं आप अपने बच्चों की परवरिश को पेरेंटिंग बोलते हैं। तो जो भी सब कुछ अपने बच्चों को करके दे दे वो ओवर पेरेंट है। बेटा तुम कुछ मत करो, तुम थाली मत उठाओ, हम ही उठा के रखेंगे, बेटा हम ही करके देंगे। तुम अभी छोटे हो, 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 बेटा हमारे सामने तो तुम हमेशा छोटे ही रहोगे, भले ही आप 80 के हो गए हो, हमारे सामने तो छोटे ही रहोगे। ठीक, ये ओवर पेरेंटिंग है, गलत पेरेंटिंग है। ये सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहते, ये कुर्सी को घेर कर रखना चाहते हैं, हम ही हम हूं, और जब तक हम हो तब तक तुम बच्चा ही रहो। ये मतलब क्या है? ये ठीक ऐसा है, इस अगर इस जीवन को साइकिल मान लिया जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों के जीवन की साइकिल का हैंडल पकड़ लेते हैं और उसको कैरियर पे बिठाए 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 घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। यानी सारे वो डिसीजन खुद लेते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, उसको कुछ करने नहीं देते। इसी तरह से ओवर टीचिंग होती है, टीचर कहता है सब मैं ही करके दूंगा, तू खाली उतार ले, सब मैं पढ़ाऊंगा, सब मैं करके दूंगा, तेरे बस के कुछ भी नहीं है, ओवर टीचिंग होती है। जो नेचुरल है वो क्या है? उसमें कहता है पेरेंट, तू बेटा आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, डिसीजन तू लेगा, हैंडल तू पकड़ेगा और पैडल तू मारेगा और मैं कैरियर पकड़ूंगा। वो पीछे से पकड़ता है, ओवर पेरेंटिंग वाला आगे से पकड़ता है और नेचुरल पेरेंटिंग, सही पेरेंटिंग वाला कहां से पकड़ता है? पीछे से। वो उसे ड्राइवर बनाना चाहता है और ओवर पेरेंटिंग वाला उसे ड्राइवर नहीं सवारी बनाता है। तो अपने बच्चों को ड्राइवर बनाना है सवारी, ड्राइवर बनाना है तो पीछे से सपोर्ट कीजिए और सवारी बनाना है तो आगे से खींचिए। ये उल्टा है।